और गंगा प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में 4 और लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हो गई है। इनमें एक बॉलीवुड की मशहूर गायिका कनिका कपूर भी शामिल हैं। उन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। बताया जा रहा है कि कनिका कुछ ही दिन पहले लंदन से लौटी थी और लखनऊ के ताज होटल में ठहरी थी। इसके बाद वो शालीमार ग्रैंड अपार्टमेंट में आयोजित की गई एक पार्टी में भी शामिल हुई थी। बताया जा रहा है कि यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी पार्टी में शामिल हुए थे, इसलिए वो भी कोरोना की जांच कराएंगे। ये पार्टी पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के घर पर रखी गई थी, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह, जितिन प्रसाद, यूपी के कई नौकरशाह और मंत्री भी पार्टी में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि पार्टी के बाद कनिका एक मशहूर स्किन क्लिनिक में भी गई थी। कनिका के पिता राजीव कपूर ने 3 दावतों में जाने की बात पुलिस अधिकारियों की जांच में स्वीकार की है। बताया जा रहा है कि लंदन से लौटने की बात उन्होंने किसी को नहीं बताई और सीधे होटल चली गई। इस दौरान उनके संपर्क में कई लोग आए। शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट से बॉलीवुड सिंगर और उनके घर वालों को ले जाने का हमारे पास एक्सक्लूसिव वीडियो भी है। कनिका कपूर में कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस अब इन सब लोगों की तलाश में जुट गई है, जिसमें इन लोगों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा सके। पुलिस शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट भी पहुंची। वहां भी इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है कि उस पार्टी में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। तो देखिए, 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शालीमार गैलेंट की, जहां से कनिका और उनके परिजनों को प्रशासन आइसोलेशन में ले जाने के लिए ले गया। और दूसरी तस्वीर होली पार्टी में भी कनिका थी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। घंटों तक वहां पर फूल बरसते रहे, होली का जश्न चलता रहा। तो अब डर इसी बात का है कि अब चूंकि जब कनिका खुद कोरोना वायरस पॉजिटिव पाई गई हैं, तो ऐसे में किस किस तक ये संक्रमण पहुंचा। कई बड़ी हस्तियों से उनकी मुलाकात हुई थी इसी दौर में। फिर चाहे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, चाहे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, ये तमाम लोग हैं जो उनसे इस दौर में मुलाकात करते रहे पार्टीज़ में। और अब प्रशासन भी सतर्क है। और कनिका कपूर को जब कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई, तो एबीपी न्यूज़ नेटवर्क ने उनसे बात की। क्या कुछ कनिका कपूर ने फोन पर कहा, क्या उनकी सफाई थी, सुनिए। मेरी तबीयत खराब है, मैंने मंडे से अपना कमरा नहीं छोड़ा है। 3 दिन से मैं यहाँ के ऑफिशियल से पीछे पढ़ के अपना टेस्ट कराया है। 13 तारीख को हम सब छोटे से फैमिली फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है ये जी, ये हमारे रिलेटिव हैं जी। एंड मैं अपने माँ बाप के साथ मुंह दिखाने के लिए, बर्थडे उनकी थी, हम उनके बच्चे बेटे की, जो हमारे हम लोग सब साथ में पले बड़े हैं, उनको हम चाचा चाची बोलते हैं, तो फैमिली गेट टुगेदर था छोटा जी। एंड हम वहाँ मुंह दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए गए थे, मैं और मेरे पेरेंट्स। मैं अपने माँ बाप के पास सीधे आई हूँ। एंड हमारी ऐसा, और हमने कोई ऐसा कुछ काम नहीं किया उस समय, ऐसा मेजर कोई अनाउंसमेंट नहीं था। और ये जो छोटे गेट टुगेदर्स थे, सिर्फ यही हुए हैं, और उस समय ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुए हैं, जब यहाँ बाप आ गए, उसके बाद से हम लोग में से कोई भी कहीं नहीं गया। मेरी तबीयत खराब है, मैंने मंडे से अपना। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम कानपुर के कल्पना अपार्टमेंट पहुंची। बताया जा रहा है कि सिंगर कनिका कल्पना अपार्टमेंट में मामा के घर गई थी। अब डीएम के आदेश पर बिल्डिंग को लॉकडाउन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, प्राप्त हुई है, और इसके बारे में मेडिकल टीम वहाँ भेजी गई है। उस पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन कराया जा रहा है, और प्रथम दृष्टया जो सूचना मिली है, केवल 4 घंटे वहाँ रुकने की अभी सूचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी पूरी डिटेल सूचना प्राप्त कर रहे हैं। टीम वहाँ पहुँच चुकी है, और उसमें परीक्षण, जो चिकित्सकीय परीक्षण और लॉकडाउन और सारी प्रक्रियाएँ देखी जा रही हैं। तो देखिए, ये कानपुर की तस्वीर है, पहुंची थी कनिका। और इन सब के बीच वसुंधरा राजे का ट्वीट भी आ गया है, क्योंकि उनकी भी मुलाकात कनिका से हुई थी। उन्होंने लिखा, कुछ दिन पहले दुष्यंत और उनके ससुराल वालों के साथ मैं लखनऊ में एक डिनर पर गई थी। कनिका कपूर, जो कि COVID-19 यानी कि कोरोना पॉजिटिव हैं, वो भी उस डिनर में अतिथि के तौर पर मौजूद थी। सावधानी के तौर पर मैं और दुष्यंत सेल्फ आइसोलेशन में हैं, और हम सभी आवश्यक निर्देशों का पालन कर रहे हैं। तो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उन्होंने लिखा है कि उनकी मुलाकात कनिका से हुई थी, और अब स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करते हुए वो सेल्फ आइसोलेशन में चली गई हैं।
और ये जो दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये उस अपार्टमेंट की है, उस सोसाइटी की है जहां पर कनिका अपने परिवार के साथ थी, लेकिन जैसे ही उनका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट आया उसके बाद उन्हें आइसोलेट किया गया है प्रशासन की तरफ से, और केवल कनिका और उनके परिवार को ही नहीं बल्कि इस पूरी सोसाइटी को आइसोलेट कर दिया गया है अब, क्योंकि वहाँ पर कनिका जब रह रही हैं तो कितने लोगों से उनकी मुलाकात हुई, कितने लोग उनके संपर्क में आए और किस तरीके से उस पूरे सोसाइटी में कोरोना की दस्तक हो सकती है, इसी के मद्देनज़र अब इस पूरी बिल्डिंग को आइसोलेट किया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है दो पार्टी में कनिका कपूर शामिल हुई थी, इसके अलावा कानपुर भी वो गई थी, तो वो तमाम लोग तलाश उनकी भी की जा रही है जिनकी उनसे मुलाकात हुई थी, और उनकी भी सेहत पर प्रशासन नज़र रखेगा। तो कनिका लंदन से लौटी, वो लखनऊ गई, लखनऊ से कानपुर भी पहुंची थी। कानपुर का जो सोसाइटी थी, जो फ्लैट थी, वहां के गार्ड ने क्या कहा वो सुनवाते हैं आपको। 13 रुकी थी तो यहाँ कोई पार्टी वगैरह थी? तो उसमें काफी लोग आए होंगे, कितने लोग आए थे भैया? कितने मतलब 150 लोग। किस फ्लोर पे रहते हैं? 902 में। 902, क्या नाम है उनका? विपुल टंडन। क्या करते हैं वो? उनका भैया कहे था क्या धन बिजनेस है। अच्छा, उनके यहाँ बुजुर्ग हैं लोग? हाँ। क्या लोग हैं? एक। काम करती क्या उनके? अच्छा, एक। और बड़ी खबर लखनऊ से है जहां पर जस्टिस लोकायुक्त के घर पहुंची है स्वास्थ्य टीम। जस्टिस लोकायुक्त संजय मिश्रा के घर पर टीम पहुंची, कनिका कपूर की होली पार्टी में ये शामिल हुए थे। कनिका कपूर में कोरोना की पुष्टि हुई, इस वजह से जिन जिन लोगों से कनिका कपूर की मुलाकात हुई अब उन सभी की सेहत की जाँच हो रही है, कोरोना टेस्ट उनका होगा, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये संक्रमण फैलता है। ऐसे में जस्टिस लोकायुक्त संजय के घर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम इस वक्त पहुँच गई है, और वजह यह है कि कनिका कपूर की जो होली की पार्टी हुई थी उसमें जस्टिस लोकायुक्त संजय मिश्रा भी थे, और यही वजह है कि अब उनके सेहत की जांच के लिए जो स्वास्थ्य अमला है वो पहुंच गया है और उनका भी टेस्ट करवाया जाएगा। और यही प्रशासन की अब कोशिश भी है कि जिन जिन लोगों की मुलाकात कनिका कपूर से हुई, जो उनके संपर्क में आए, जिन्होंने उनके साथ सेल्फी ली, हाथ मिलाया, उन सभी लोगों को एक बार टेस्ट के दौर से गुजारा जाए और ये जाना जा सके कि आखिर संक्रमण कहाँ तक, कितने लोगों तक पहुँचा है। तो ये एक तस्वीर है कि थोड़ी सी जो जागरूकता की कमी थी उसने एक बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कनिका लंदन से आई, हालांकि उनकी दलील ये है कि जब एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हुई तो उनमें कोई भी ऐसे लक्षण नहीं थे, 4 दिन के बाद जब लक्षण आने शुरू हुए तब उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया और अब जब उनकी रिपोर्ट आई है तो वो पॉजिटिव है। ऐसे में प्रशासन ने उन्हें आइसोलेट कर दिया है, उनके परिवार को आइसोलेट कर दिया है, और इतना ही नहीं एहतियात के तौर पर उस पूरी बिल्डिंग को भी आइसोलेट किया गया है। कानपुर में जिस घर में कनिका गई थी उस बिल्डिंग को भी लॉकडाउन किया जा रहा है, तो ये एहतियाती कदम अब उठाए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकायुक्त संजय मिश्रा के घर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है और उनकी भी जांच की जाएगी, परिजनों की जांच की जाएगी, क्योंकि कनिका कपूर की होली पार्टी में वो शामिल हुए थे और कनिका कपूर में जब कोरोना की पुष्टि हो चुकी है तो ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि जो लोग संपर्क में आए उनकी स्क्रीनिंग की जाए। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, अब ये प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है, जितने लोगों के संपर्क में कनिका आई, जिन पार्टीज में गई, जहां जहां गई, वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको वक्त रहते जल्द से जल्द स्क्रीनिंग कर ली जाए और उनको भी आइसोलेट किया जाए। ये निश्चित रूप से बड़ी समस्या है, कारण कि पार्टी 3 हुई है और एक फूलों की पार्टी हुई है, फिर एक गीत संगीत की पार्टी है, होली की पार्टी है। ऐसे में 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कनिका के संपर्क में आए थे, और जस्टिस संजय मिश्रा के घर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई है जो जानकारी है, और उन्हें आइसोलेशन वार्ड में ले जाया जाएगा और क्वारंटाइन किया जाएगा उन्हें। और जस्टिस मिश्रा के घर से ही फूलों की पार्टी हुई थी, बड़ी संख्या में गैदरिंग हुई थी उसमें, और कनिका कपूर के साथ साथ शहर के कई मानिंद लोग वहां मौजूद थे, कई ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे, कई वकील बड़े वहां मौजूद थे और साथ ही साथ कई मंत्री वहां मौजूद थे। ऐसे में जिस तरह से जो रसूखदार लोग हैं जिनकी पकड़
जिनसे जनता के लोग मिलते हैं, जनता मिलने आती है बड़ी संख्या में, अधिकारियों से मिलने आती है, साथ ही साथ मंत्रियों और बड़े नेताओं से मिलने आती है, सांसद विधायकों से मिलने आती है, ये ऐसे लोग पार्टी में शामिल थे क्योंकि उनके घर आपने देखा होगा कि जो बड़े लोग हैं, चाहे बड़े अधिकारी हों या जन समस्याओं को निपटाने वाले ऐसे माननीय सांसद विधायक हैं या बड़े अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके घर जनता दरबार लगता है, तो ऐसे में संभावना और विकट हो जाती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग पूरा एहतियात बरत रहा है, सरकार पूरी एहतियात बरत रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुख्यमंत्री खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और ऐसे में लखनऊ, कानपुर और नोएडा को सैनिटाइज करने का उन्होंने निर्देश दिया है। मॉल बंद कर दिए गए हैं, लखनऊ की बहुत सारी दुकानें बंद कर दी हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां मेडिकल स्टोर या बिल्कुल तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन जनता को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। शुक्रिया वीरेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर लगातार 9 ट्वीट किए हैं। ट्वीट में सीएम योगी ने कोरोना से निपटने के लिए तमाम एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ, नोएडा और कानपुर शहर को सैनिटाइज किए जाने के साथ ही नगर विकास विभाग को शहरी इलाकों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि खरीदारी के दौरान लोग लाइनों में न लगें और कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। सीएम योगी ने पुलिस को पूरे प्रदेश में पेट्रोलिंग करने के साथ ही साथ 5 से 7 लोगों से अधिक लोग एक साथ कहीं इकट्ठा ना हो ये भी सुनिश्चित करने को कहा है। तो ये 9 ट्वीट्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए और कई अहम बातें लिखी हैं। लखनऊ, नोएडा और कानपुर, पूरे शहर को सैनिटाइज किया जाएगा, ग्लव्स और मास्क पहनने का निर्देश उन्होंने दिया है, पुलिस को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि 5 से 7 लोग इससे ज़्यादा कहीं इकट्ठा ना हो ये सुनिश्चित करे उत्तर प्रदेश पुलिस। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। राम जन्मभूमि परिसर में श्री रामलला को अस्थायी भवन में शिफ्ट किए जाने को लेकर 20 मार्च से शुरू होने वाले धार्मिक अनुष्ठान को कोरोना वायरस के चलते टाल दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 22 मार्च से शुरू होगा। इसके साथ ही काशी से आने वाले 22 विद्वानों की टीम को भी रोक दिया गया है। कोरोना के कारण, क्योंकि मोदी जी ने या हमारे सरकार ने सामूहिक कार्यक्रम करने के लिए निषेध किया गया है, और इसलिए केवल दिल्ली से भी बहुत से लोग आने वाले थे, केवल कम कर केवल 2 से 3 लोग ही आएंगे केवल कोरोना के कारण। और बनारस से जो आने वाले थे उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया और पुनः फिर अति विष्णु महायज्ञ होगा, उन सब में फिर उन लोगों को बुलाया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते लखनऊ में आज यूपी विधानसभा को सैनिटाइज किया गया। विधानसभा मंडप समेत सभी अनुभाग गलियारों को सैनिटाइज किया गया और 31 मार्च तक सभी गैर जरूरी सचिवालय पास बनाने पर रोक लगाई गई है। वहीं प्रमुख सचिव विधानसभा के मुताबिक रविवार के दिन सभी विधानसभा स्टाफ की छुट्टी की गई है, केवल सुरक्षा से जुड़े लोग ही बुलाए गए हैं। तो लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा सचिवालय सैनिटाइजेशन का जो काम है वो जारी है और हर जगह सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। रविवार को जनता कर्फ्यू है, ऐसे में जनता ही नहीं सभी लोग उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में केवल सिक्योरिटी के अलावा सभी कर्मचारियों की वहाँ से छुट्टी दी गई है, अवकाश दिया गया है, जो सुरक्षा से जुड़े लोग हैं केवल वही पहुँचेंगे। कोरोना के खिलाफ अब आईएमए के डॉक्टरों ने मुहिम छेड़ रखी है। आज वाराणसी में आईएमए के डॉक्टर मलदहिया स्थित मलिन बस्ती पहुंचे और घर घर जाकर सैनिटाइजर का प्रयोग कराया, इसके साथ ही मास्क भी बांटा। दरअसल कोरोना के कहर के बाद बाजार से सैनिटाइजर और मास्क गायब हैं, ऐसे में मलिन बस्ती के लोगों की सुरक्षा का जिम्मा डॉक्टरों ने संभाल लिया है और घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर मास्क बांटे और इसके साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना समझाया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर से बनारस में एक मुहिम छेड़ा है, जिसमें हम सब मलिन बस्तियों में जा कर के सभी लोगों को
ये अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि उनको कम से कम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कैसे एक दूसरे से अलग रखना है, कैसे इस बीमारी से बचना है, मास्क कब लगाना है कब नहीं लगाना है और कैसे अपने हाथ को हमेशा धोते रहना है। ये मैसेज हम लोग स्प्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके। और देश में कोरोना को लेकर महामारी घोषित हो चुकी है, पूरा देश अलर्ट पर है। नोएडा में इसके 4 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी के चलते आज नोएडा के सेक्टर 34 में मोरना बस डिपो में कोरोना वायरस को लेकर सवारी को जागरूक किया गया और बसों को भी सैनिटाइज किया गया। बस में बैठने वाले प्रत्येक पैसेंजर को हाथ धुलवा कर ही बस में बैठने दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि लोगों से दूरी बनाकर। उन सभी को परिचालक के द्वारा ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि आप सभी लोग अपना हाथ बार बार धुलते रहें, जिसकी सुविधा बस स्टेशन पर दी गई है प्रत्येक बस स्टेशन के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के, और उसके साथ लोगों से दूरी बना के रखें। कोई अगर बीमार है तो वो मास्क पहने अथवा अगर पॉसिबल हो सके तो खुद को अलग रखे, भीड़ में या पब्लिक प्लेस पे ना जाए। कवि और गीतकार विष्णु सक्सेना ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए गीत तैयार किया है। पीएम के एडवाइजरी के बाद कवि विष्णु सक्सेना ने गीत तैयार किया। उनका कहना है कि पीएम की अपील कोरोना से लड़ने के लिए कारगर हथियार है, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉलो करना चाहिए। मिलाया हाथ न हो जाए या हो रोग, लड़िए न उससे डरिए, जो संक्रमण के हेतु उनसे भी बचते रहिए। मिलाया हाथ न हो जाए कहीं कोरोना, मिलाया हाथ न हो जाए कहीं कोरोना, दूर से हाथ जोड़ करके नमस्ते करिए। एक सावधानी और बताना चाहता हूँ, नाक मुंह मास्क से ढांपे न भीड़ में जाए, दूध हल्दी का पिए और मुलेठी खाए, नाक मुंह हाथ से छुआ तो संक्रमण होगा, नाक मुंह हाथ से छुआ तो संक्रमण होगा, हाथ धोने हैं बार बार सबको समझाए, हाथ धोने हैं बार बार सबको समझाए। एक घरेलू उपचार बताना चाहता, गर्म पानी में एक नींबू निचोड़ो पी लो, धूप में बैठ के प्रतिरोधी शक्ति को जी लो, इतना हो जाए तो कोरोना भी बेदम होगा, इतना हो जाए तो कोरोना भी बेदम होगा, ठोंकिए ताली से दो दो हाथ कर ही लो। तो कोरोना को लेकर जो जंग चल रही है उसमें आपकी जागरूकता इसे और मजबूती दे सकती है, इसलिए जागरूक रहिए, खुद सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आगे जरूर देखिए उत्तराखंड प्राइम। हाथ साफ तो कोरोना साफ, खुद को बचाएं, दूसरों को भी रखें महफूज, दिल मिलाएं, हाथ नहीं नमस्ते करें, समझदार बनो, कोरोना से बचो।